विकास की बात मुखिया जी के साथ। इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं असेंबली न्यूज चैनल। आज मैं आया हुआ हूं अभी उमराव उमरपुर पंचायत है, और उमरपुर पंचायत के हमारे साथ मुखिया हैं वीरेंद्र राय जी। आइए बात करते हैं, जानते हैं विकास के मुद्दे पे क्या बताना चाहेंगे। बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना चल रहा है, इसके बारे में भी इनसे कुछ बात करेंगे हम। और 2 साल 3 महीने के कार्यकाल में इन्होंने अभी तक कितना विकास किया है, सारी चर्चाएँ करेंगे और आपको दिखाएंगे। आइए बात करते हैं उमरपुर पंचायत के मुखिया वीरेंद्र राज। सबसे पहले हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी देख रहे हैं। जानना चाहेंगे मुखिया जी, बिहार सरकार का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है 7 निश्चय योजना, आप क्यों सर? 7 निश्चय योजना तो चल रही है, लेकिन आ रहा है खाता में पैसा मुखिया जी के, और मुखिया जी को ट्रांसफर करना है, कार्य कार्यान्वयन समिति को ट्रांसफर करना है, तो लेकिन इससे ही मतलब नहीं है। हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अब हम ही लोग से पूछा जा रहा है, पूछना चाहिए वार्ड से और वार्ड सचिव से, क्योंकि कार्य कार्यान्वयन समिति तो है, हम लोग को केवल पैसा ट्रांसफर करना है उसके खाते में। पूछने की जहाँ तक बारी आएगी तो आप तो निश्चित तौर से जब मॉनिटरिंग करने का पावर आपको मिला है, प्रेषण तो आपके कर्तव्य बनता है, उसका देख रेख करें। वार्ड लोगों के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान देना आपका काम है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो वार्ड आपके पंचायत के जो भी वार्ड है वो काम नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा। बस वही रिजल्ट बनाना है आपको। ऐसे मुखिया जी जानना चाहेंगे, ये जो आपकी उमरपुर पंचायत है टोटल इसमें गांव कितने आते हैं? छोटे बड़े मिल करके 5 को उमरपुर, नाट, मुंगरौल, रामपुर, बड़का गांव, बेसर बुजुर्ग। बहुत सुंदर। और इसमें टोटल वार्ड की संख्या कितनी है? 11। और चयनित कितने के हैं अभी तक? 6 वार्ड चयनित। 6 वार्ड चयनित। ये 6 वार्ड में काम चल रहा है? पैसा खत्म हो गया 2.5 महीने पहले, जितना पैसा था उतना सब काम हो गया, यानी कि सिर्फ पैसा के अभाव में भी काम रुका हुआ है, नहीं तो जितना पैसा था आपने काम करवाया? सब काम हो गया। मनरेगा के भी माध्यम से आपने कुछ किया है? किया है। क्या किया? मनरेगा के माध्यम से ये जो है वन पोषक का है, और स्कूल 2-3 को भराया है। मनरेगा का काम हमारे यहाँ बहुत कम है, गंगा किनारे बसे हुए हैं और लोग रोड रास्ता में जमीन नहीं दे रहे हैं, इसके चलते थोड़ी सी परेशानी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। चूँकि आप ये इस बक्सर जिले के बक्सर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, और मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते एक बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी भी आपके साथ जुड़ी है। जानना चाहेंगे यदि हम केंद्र सरकार के लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत बात करें तो कि लगभग हर घरों में शौचालय लगाने की बात चल रही है, मैक्सिमम पंचायत तो ओडीए भी हो गई है, आपकी पंचायत की यदि दशा के बारे में जानी जाए, इसके बारे में यदि पता करें हम, तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या पोजीशन है? हम अपने पंचायत को 11 नवंबर 2016 को ही ओडीए कर दिए हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। शौचालय की यदि बात किया जाए तो कितने घरों में अभी तक शौचालय बने होंगे? घर घर शौचालय हो गया है, मात्र 15 से 20 घरों में शौचालय नहीं है, जिसमें 6-7 या 10 परिवार ऐसे होंगे जहाँ पर जमीन के अभाव में शौचालय नहीं बना है, नहीं तो बाकी घरों में शौचालय बन चुका है। बहुत सुंदर। क्या उम्मीद किया जा सकता है, कब तक उन सारे घरों में भी शौचालय बन जाएंगे? अभी बन जाएंगे, अभी सरकार से हम लोग सीओ साहब से बोले हैं, जिसके पास जमीन नहीं है, जो बांध पर बसे हुए हैं हमारे गाँव में सार्वजनिक शौचालय के लिए जमीन की व्यवस्था करें, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। सरकारी जमीन तो यहाँ पे होगा? सरकारी जमीन वैसा नहीं है। अब सार्वजनिक शौचालय फिर बनेगा? अब उसका उपाय सीओ साहब करेंगे, या बांध की जमीन है नीचे इधर, वहाँ पर कुछ मिल जाएगा तो वहाँ पर बनवा दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पहली बार आप मुखिया बने हैं या फिर इससे पहले भी? ना पहली बार बने, 2 बार हार करके तीसरी बार भी बने, यानी कि अब की बार जनता ने आपको सराहा और आपको मुखिया बनाया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जनता ने एक बहुत बड़ा विश्वास आपके साथ सौंपा है, अपनी जितनी भी जवाबदेही और जिम्मेवारी जनता ने आपको दी है, जनता ने आपको किया का जगह दिया है एक विश्वास के साथ। बहुत सारी जनता की समस्याएँ आती होगी, आप उसका समाधान भी करते होंगे हमें जहाँ तक लगता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ ऐसी भी आती होंगी
जो चाह के भी आप नहीं करते होंगे, क्योंकि आपके हाथ में वो नहीं रहता है। जब तक हाथ में रहेगा नहीं पावर, तो आप चाह के भी उनकी परेशानी कैसे सब कर पाएंगे। तो सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से आप कैसा मदद चाहेंगे या फिर कैसा सुझाव देना चाहेंगे, एक पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए क्या करना उचित होगा? चूंकि एक मुखिया संघ के आप अध्यक्ष भी हैं, तो सारी पंचायत को नज़र में रखते हुए आप बताएं कि सरकार को क्या करना चाहिए ताकि एक आदर्श पंचायत बनाने में मुखिया को वो पावर मिले, हर काम आसानी से कर सके, क्या बताना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये जो मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना बनी है, इसमें मुखिया का तो फुल पावर नहीं है, उसमें वार्ड चयनित हो जाता है। मान लीजिए कि 6 वार्ड अभी तक चयनित हुआ, 6 में काम हुआ, लेकिन जो चयनित नहीं है और सबसे पहले उसी में जरूरी है काम करना, तो इसमें हम लोग असफल हो रहे हैं, अपने मन से काम नहीं हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जो है वार्ड जो चयनित हो रहा है उसके अनुसार काम हो रहा है, मुखिया को भी पावर मिले वार्ड चयनित करने का, मुखिया को भी पावर मिले, पावर है भी, लेकिन पहले बोल दिया जाता है कि जहां अनुसूचित जाति है पहले चयन कीजिए। मान लीजिए अनुसूचित जाति जहां है वहां पहले से भी काम हो गया है, चाहे 2-3 वार्ड है और वहाँ पर एक वार्ड का चयन हुआ और वार्ड में चयन नहीं हुआ, वहाँ पर जरूरी है करना, तो इसमें हम लोग असफल हो जा रहे हैं कि अपने मन से काम नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोग देख रहे थे हमारी बात हो रही थी, ये उमरपुर पंचायत है और उमरपुर पंचायत के मुखिया हमारे साथ हैं वीरेंद्र राय जी। मैं आपको बता दूँ कि मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी सुंदर और विवेक ढंग से अपने पंचायत को डेवलप कर रहे हैं, प्रयास में लगे हैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में। काफ़ी सुंदर ढंग से इन्होंने अपने हर गतिविधियों पर प्रकाश डाला। सात निश्चय योजना में इनको थोड़ी सी परेशानी जहां नज़र आई, इनका कहना है कि हमारे खाते में पैसा आता है लेकिन वो पैसा मुझे दे देना होता है वार्ड को, और वार्ड अपने मन से काम कराते हैं, कैसे काम कराएंगे नहीं कराएंगे निश्चित तौर से उस ढंग से जैसा चाहिए वैसा काम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ चयनित करने की बात आती है, तो बताया जाता है कि पहले इस वार्ड का ही चयन कीजिए, ऐसे इस टाइप के वार्ड को चयन कीजिए, जबकि जहां ज़रूरत है विकास का हम चाह के वहां विकास नहीं कर पाते। तो इस तरह सरकार को चाहिए कि सरकार हमारे, चूँकि हम लोग एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जो डायरेक्ट जनता के टच में रहते हैं, जनता की छोटी छोटी समस्याओं को जानना मेरा कर्तव्य होता है, उसका निदान करना मेरा कर्तव्य होता है, लेकिन सरकार वो पावर देगी ही नहीं, तो हम चाह के भी अपने पंचायत को आदर्श पंचायत कैसे बनाएंगे? तो सरकार को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और शौचालय पे इनका पंचायत ओडीए हो चुका है, कुछ घरों में शौचालय बचे हुए हैं और इनका प्रयास है कि बहुत जल्द हर घर में शौचालय मिलेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल सशोक तिवारी, कैमरामैन राजा के साथ, थैंक यू।